हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY यानी मॉस स्टिक बनाएंगे हम बिल्कुल ही किफ़ायती तरीके से, बहुत ही कम खर्च में मैंने ये DIY किया है। किन किन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है वो आपको बताऊंगी और खर्च मेरा कहाँ हुआ है वो भी आपको बताऊंगी। हम अक्सर जो भी मॉस स्टिक्स वगैरह ऐसे इस तरीके की जो लेते हैं वो मार्केट में 80 रुपये की आमतौर पर मिलती है, इससे ज़्यादा भी मिलती है। हर एरिया के हिसाब से प्राइस अलग अलग होता है। बहुत ही कम खर्च में बहुत ही अच्छी भी लगेगी, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही लपेट वपेट के कुछ भी लगा देंगे, तो दिखने में भी सुंदर लगती है वो और इसी जैसा काम भी करती है। इसमें आमतौर पर वायर होती हैं लगी हुई, ये प्लास्टिक होता है और एक प्लास्टिक की पाइप नीचे लगी होती है। बीच में जो भरा होता है ये मॉस होता है जो कि पानी को थोड़े टाइम तक होल्ड करके रखता है, तो वैसा ही काम वो भी करेगी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा। तो उसमें हमें सबसे पहले तो एक प्लास्टिक की पाइप ले लेनी है कुछ इस तरीके की, जो कि आम तौर पर मिल ही जाती है घरों में। अगर ये नहीं है तो आप इस तरीके की कोई पाइप ले सकते हैं। ये लोहे की पाइप है जो कि वाइपर वगैरह में लगी आती है, तो ये उसकी टूटी हुई पाइप है, तो ऐसी भी आप ले सकते हैं। अगर आप लकड़ी का टुकड़ा लेना चाहते हैं यानी लकड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा लोहे का और लकड़ी का अगर टुकड़ा लेंगे तो फिर आपको कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा लगा लीजिए, या तो प्लास्टिक से कवर करना होगा या टेप से कवर करना होगा ताकि ये गले ना मिट्टी में जाने के बाद। प्लास्टिक गलता नहीं है तो प्लास्टिक में ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन उसमें भी आप लगा सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए ये रस्सी, ये नारियल का जो ऊपर का वो लंबे लंबे तार जैसे छिलका होता है उससे बनी होती है और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। ये आपको जहाँ पर भी ऐसा सामान मिलता है लोहे का या फिर कंस्ट्रक्शन का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगी। ये 10 रुपये का एक पीस मिला है मुझे लगभग, ये देखिए इतना एक ये 10 रुपये का मिला है। तो इस तरीके से आप ये वाला लेंगे तो इसकी ग्रिप एक तो अच्छी होती है, दूसरा ये पानी भी होल्ड करेगी, इसमें मॉइस्चर थोड़ा बना रहेगा इसलिए, तो आपको ये लेनी है। इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिएगी वो टेप, आप इस तरीके की कोई टेप ले सकते हैं या फिर ये क्लियर टेप जो होती है वो ले सकते हैं, तो टेप कोई भी लें, टेप लेनी होगी। इनके अलावा जो हमें चाहिएगा वो चाहिएगा कुछ इस तरीके का तार, ऐसा तार अगर आप लेंगे तो वो कहीं पर अगर ग्रिप नहीं बनती है प्लास्टिक पर तो इससे हम बांध सकते हैं, चिपकाने की ज़रूरत फिर नहीं रहेगी, तो ये भी आप ले सकते हैं। देखते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत रहेगी, अगर आपके पास हो तो ज़रूर लेकर रखिएगा बनाते वक्त। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम दो सिरे मैंने यहाँ पर जोड़ लिए हैं इस तरीके से ताकि मैं दोनों को एक साथ लपेटती जाऊँ। सिंगल भी आप रख सकते हैं यानी एक भी रख सकते हैं और ऐसे डबल कर लेंगे तो जल्दी काम होगा। साथ में पाइप के नीचे हमें कुछ इतना हिस्सा ज़रूर छोड़ना होगा जो कि जब हम गमले में लगाएंगे तो उसको गड़ाने में जितना हिस्सा जाएगा उतना हिस्सा हमें ऐसे ही छोड़ना है। फिर इतना हिस्सा छोड़कर हम ऊपर से लपेटना शुरू करेंगे इस रस्सी को। तो सबसे पहले तो इसको हमें सिक्योर करना होगा यहाँ नीचे ताकि ये हिले ना और अच्छी ग्रिप इसकी बनी रहे, तो यहाँ पर हम इसे पहले सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए आप यहाँ पर जो ये तार है इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको टेप से सिक्योर कर लिया है ये हिले ना, और अब हम इसे लपेटना शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं और रस्सी जोड़ दूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी कम पड़ गई है यहाँ पर, ये देखिए इतनी सी कम पड़ी है, तो यहाँ पर जोड़ूँगी। लेकिन जोड़ने के लिए एक काम करेंगे,
ये जो रस्सी है मैं ये यहाँ पर ऐसे इसमें अटका लूँगी, यहाँ पर ऐसे, या तो यहाँ पर हम इसको टेप कर देंगे या तार की सहायता से इसको यहाँ पर टाइट कर लेंगे। तो ये जो तार हमने लिया था उसको हम इसके ऊपर लपेट के इसको टाइट कर लेंगे ताकि ये इसके साथ जुड़ जाए। और टेप कई बार होता है कि हट जाती है, पानी गिरने से ख़राब भी हो जाएगी, ये सेंटर का एरिया है, तो इसलिए ये इन दोनों को एक साथ लेते हुए हम इसको इसके साथ टाई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको टाई कर लिया है, ये देखिए इसके साथ। अब इसको थोड़ा सा लपेट के इसके ऊपर ताकि ये टाइट रहे इस तरीके से, और मैं इस तार को काट दूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तार से इसको बांध दिया है और इसके ऊपर अब हम इस रस्सी को लपेट लेंगे। तो ये यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर हम टेप कर देंगे इसको ताकि ऊपर से ये बंद हो जाए और ये अच्छे से इस पर चिपक जाए। नहीं तो आप उस तार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी रस्सी से या कपड़े से भी इसको यहाँ से बांध सकते हैं। तो दोस्तों ये अब हमारी लगभग तैयार है। यहाँ ऊपर से मैं इसको इसीलिए कवर कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कुछ जाए ना, पाइप के अंदर पानी भरा ना रहे, इसीलिए। तो हमारी मॉस्टिक बनकर तैयार है। इसको बंद करना इसलिए ज़रूरत है, यहाँ से पानी जाता रहता और मिट्टी में भी जाता रहता उसके कारण पानी, तो यहाँ से मैंने इसको कवर कर दिया है। और ये देखिए पूरी स्टिक जो है वो हमारी बनकर अब तैयार हो गई है। अब हम इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें पानी भी रुकेगा। और जैसे मनी प्लांट है या कोई भी फिलोडेंड्रॉन की जैसे वैरायटी होती हैं जिनकी साइड से रूट निकलती हैं, वो इस पर चिपक जाएंगी और ग्रोथ करेंगी बहुत अच्छे से। इसकी कॉस्ट जो है वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये पड़ी है, क्योंकि मैंने ये ख़रीदा है, इसमें ये मुझे ख़रीदना पड़ा, पाइप मेरे पास पड़ी थी। तो दोस्तों ये मॉस्टिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही काम करेगी, ये भी पानी थोड़ी देर तक होल्ड करेगी। ये नारियल से बनी हुई रस्सी है, नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है उससे, और बिल्कुल वैसा ही काम करेगी जैसा एक मॉस्टिक करती है। इसमें खर्चा जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ मेरा 10 रुपये का आया है, सिर्फ मैंने ये रस्सी खरीदी है। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता है वहाँ पर ये आपको ईजिली मिल जाएगी। और 10 रुपये के एक बंडल में ये आपने देखा इतनी बन गई थी, यानी छोटी बनाना चाहते हैं तो एक बंडल काफ़ी रहेगा, अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से रस्सी ले लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं जो गार्डनिंग करना पसंद करते हैं उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।